Assalamu alaikum, dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11. And today I am going to start the last subdivision that is Pteridophyta. So let's move to the glass board. The subdivision, the last subdivision of Division Tracheophyta that is Pteropsida. डिस्ट्रेंट्स सब डिविजन टोप्सीडा इनके अंदर सिक्स पहले वाले तमाम uh, प्लांट से बेहतर हैं एडवांस्ड हैं और इसी वजह से uh, जो है इसको लास्ट uh, में डिस्कस किया गया अकॉर्डिंग टू देअर कंप्लेक्सिटी एंड बेटर फैसिलिटीज़ इनको लास्ट में रखा गया सो so, फर्स्ट हमने पढ़ी थी स्विनापसीडा uh, फिर उसके बाद लाइकोपसीडा फर्स्ट हमने पढ़ी थी साइलोपसीडा सेकेंड में हमने पढ़ी थी लाइकोपसीडा थर्ड में हमने पढ़ी थी सीनापसीडा और अब फोर्थ में ट्रोप्सीडा अब जो टिरोप्सिडा की फर्दर आगे तीन क्लासेस है इस सब डिवीजन की क्योंकि फाइलम या डिवीजन होता है और उसके बाद फिर क्लास होती है ठीक है तो इनकी आगे फर्दर तीन क्लासेस है टिरोप्सिडा इज डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस or what three classes kaun se number 1 is class phylogeny number 2 is class gymnospermy. and number 3 ज क्लास एनजीओ स्पर और इसमें से जो क्लास फिलिसिनी है द क्लास अभी हम इसको फर्स्ट में स्टार्ट करने लगे क्लास फिलिसिनी को तो फर्स्ट वन इज क्लास फिलिसिनी कॉमनली कहते हैं फर्नस और फर्न्स डियर स्टूडेंट्स फर्न्स इनके कुछ खास किस्म के करेक्टरिस्टिक्स पहले उसको डिस्कस करेंगे जनरलाइज वे में उसके बाद फिर हम एक स्पेशल इसका एक प्लांट है जो रिप्रेजेंटेटिव प्लांट इन क्लास फिलिस्नी का फिर उसके वाले से डिस्कशन करेंगे सो द फंस आर सीडलेस इनके बीज नहीं होते सीडलेस क्लास ऑफ दिस ग्रुप इस ग्रुप की सीडलेस क्योंकि बाकी दो जिमनोसपर्मी और एंजोस्पर्मी सीड प्रोड्यूसिंग है ठीक है तो उनमें से जो वाली है, इट इज सीडलेस ऑफ दिस होते हैं उनको फ्रॉन्ट्स कहा जाता है ये स्पेशल सिर्फ नेम ये नॉर्मल लीव से थोड़ा सा हटके होते हैं क्लियर देयर लीव्स आर कॉल्ड इनके पत्तों का खास नाम दे आर कॉल्ड फ्रंट फ्रेंड्स और इनके जो स्पोरेंशिया होते हैं डेस्ट स्टूडेंट्स वो इन फ्रंट्स के साथ अटैच होते हैं द फ्रेंड्स व अटैच स्पोरेंजिया स्पोरेंजिया यानी स्पोरेंजियम की प्लोरल फॉर्म मतलब कि वो सैक जिसके अंदर मौजूद है स्पोर्ट्स द फ्रॉन्ड्स है फ्रॉन्ट्स हैव अटैच्ड स्पोरजिया जो कि इसमें ग्रुप्स की शक्ल में होंगे ठीक है सच काइंड ऑफ स्पोरेंजिया अटैच टू फ्रंट्स आर कॉल्ड फोलियर स्पोरेंचिया आर कॉल्ड फोलियर स्पोरेंचिया अब इन तीनों चीजों में आपने डिस्क्रिमिनेट करना है इन तीनों चीजों में आपने डिस्क्रिमिनेट करना है क्लास फिलि से नहीं पहली बात तो सी डलस है इनमें बीज नहीं होते बाकी दोनों क्लासों में मौजूद हैं पहली बात दूसरे नंबर पर इनके लीव्स को नाम दिया जाता है फ्रांट्स का ये आम क्लासेस से हटके इनके वो अभी हम इसका स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे तो इनके लीव्स को कहते हैं फ्रोंट्स उन फ्रांड्स जो होते हैं उनके साथ अटैच होते हैं स्पोरेंजिया और स्पोरेंजिया जिस फ्रोंट के साथ अटैच हो उस स्पोरेंजिया को कहते हैं फोलियर स्पोरेंजिया ये तीन चीज़ें आपने जेहन में रखनी है ठीक है फ्रांट्स स्पोरेंशिया और फॉलियर स्पोरजिया अब डेट स्टूडेंट्स अगर इनकी आ, इनके अंदर एक खास किस्म का एक पैटर्न होता है जो इनके इमेच्योर लीव्स होते हैं द इमेच्योर लीव्स Have specific coiled pattern. Such kind of arrangement is called. सिरसी वर्नेशन सिरसी वर्नेशन अब इससे मुराद इनके जो यंग लीव्स होते हैं वो इस तरह से क्वाइल्ड होती है यहां पे देखिएगा इस तरह से क्वाइल्ड होंगे लाइक दिस तो जो जो न्यूली फॉर्मड लीव्स हैं जो अभी पैदा हुए हैं वो इस तरह से क्वाइल्ड होंगे इस Of को, is form में जो इमेच्योर लीव्स होते हैं जिस अरेंजमेंट को कहते हैं सिर ये याद रखना अपने ये शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है वट आर फ्रॉन्ट्स द लीव्स ऑफ फिलिस्सी क्लास फिलिस्तीनी और फर्स आर कॉल्ड फ्रॉन्ट्स वट आर फोलियर्संजिया द

ये कहां कहां पर पाए जा सकते हैं सो दे आर मॉइस्चर एंड शेड लविंग शेड लविंग प्लांट्स क्लियर और याद रखिएगा जो सिरसी नेट वर्नेशन है ये कैरेक्टरिस्टिक है इस पूरी क्लास का इस पूरे ग्रुप का क्लास फिलोसिनी का ठीक है ये अपना जहन में रखना है मॉइस्चर एंड शेड लविंग है क्लियर और दूसरे नंबर पर they are also found also found in dry places वहां पर भी मौजूद हैं like लाइक hilly एरियाज पहाड़ी इलाके वहां पर भी कुछ पाए जाते हैं ठीक है इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि एपिफाइट्स हैं सम आर एपीफाइटिक एपी फाइटिक एपी का मतलब एबव फाइट का मतलब प्लांट आपको याद होगा मैट्रिक में आपने रिलेशनशिप्स पड़े थे इंटरैक्शन पड़े थे आपको याद होगा उसमें कॉम्पिटिशन एंड प्रिडेशन एंड सेम्बयोसिस और उसमें आपने सेम्बयसिस में सिम्बियोसिस की तीन टाइप्स पढ़ी थी पैरासाइटिज्म कॉमनसेलिज्म एंड द म्यूचुअलिज्म और कॉमेंशलिज़म में आपने ये पढ़ा था कि ये इस तरह का रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है दूसरे को फ़ायदा ना या दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता ठीक है तो ये जो उनसे एपीफाइड्स हैं ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो कि एक दूसरे प्लांट की स्टेम पे ग्रो करते हैं ठीक है एपीफाइड्स जब दूसरे प्लांट की स्टेम के ऊपर ग्रो करते हैं और वहाँ से हासिल करते हैं आ, मतलब कि जस्ट एक स्पेस हासिल करते हैं और बाकी ये वाटर और ये सारी चीजें मॉइस्चर ये एयर से इकट्ठा कर लेते हैं ठीक है थीके? तो इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि एपीफाइट्स हैं ठीक है एपीफाइटिक मतलब अटैच टू स्टेम ऑफ प्लांट तो एक प्लांट जो कि दूसरे प्लांट के स्टेम बड़े दरख्त के साथ छोटा सा एक छोटा सा वो प्लांट जो होता है एपीफाइट उसके साथ अटैच होता है ठीक है ये कोमलशलिज्म की कैटेगरी में आएगा तो वहाँ पर भी मौजूद हैं ठीक है थीके। इसी तरह से जो इनके अंदर ऐसे भी मौजूद हैं जो कि वाटर जहाँ पर वाटरफॉल्स हैं उनके आसपास या ऐसे रॉक्स जहाँ पर जहाँ पे पानी गिरता हो वहाँ पर मौजूद होते हैं छोटे छोटे हैं ये छोटे छोटे आमतौर आम तौर पर क्लास ही नहीं कि ज़्यादा बड़े बड़े ये प्लांट्स नहीं होते ठीक है उनमें कुछ हैं जो कि हाइटेड भी हैं लेकिन यूजुअली हम बात इनकी कर रहे हैं दे आर स्मॉल ठीक है और वाटर कोर्स के अलॉन्ग ये यानी कि जाएंगे जहां पर पानी होगा इन शॉर्ट कि दे आर शेड एंड मॉइस्चर लविंग ठीक है जहां पर साया और जहां पर नमी होगी वहां पर ये रहना पसंद करते हैं नो देस uh, कुछ इनकी एग्जाम्पल्स का डिस्कस कर लेते हैं वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है चार एग्जाम्पल्स गिवन है हमारे पास इनकी अभी हम जस्ट जनरल बात करें इनकी तो एग्जाम्पल्स में चार एग्जाम्पल्स दी गई हैं नंबर वन इज ड्राई ऑफ टेरिस एंड टेरिस एंड एडियंटम एंड टेरिडियम ठीक है ये चार एग्जाम्पल्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसी की उसके से इंपॉर्टेंट है और इसमें से जो रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है उसका वो ये एडिएंटम है इसी को हमने अब आगे फर्दर स्टडी करना है क्लियर तो चलते हैं इसी की तरफ एडियंटम की तरफ ठीक है नाउ एडियंटम तो एडियंटम एक छोटी सी हर्ब है ठीक है इट इसका yes, दूसरा नाम भी लिख लें इंपॉर्टेंट आई एम सी कुछ पॉइंट ऑफ यू से इसे मेडन हेयर फर्न भी कहते हैं मेडन कहते हैं जो आ, ऐसी लड़की जिसकी शादी ना हुई हो और हेयर मतलब ऐसी लड़की के बाल थोड़े सिल्की होते हैं थोड़े से यानी कि दोशीजा फर्न ये ऐसी फर्न है जिसकी स्टाइप और स्टेम वो बिल्कुल स्मूथ और सिल्की और ब्लैक होते हैं इसी तरह से जैसे कि किसी दोषीजा के होते हैं उसी के नाम से इसका ये सेकंड नेम रखा गया है बिल्कुल क्योंकि प्योर स्मूथ होते हैं सिल्की होते हैं ब्लैक होते हैं इनकी जो स्टाइप्स और इनकी रिचेस होती है तो इस वजह से इनको मेटन हेयर फर्न कहते हैं ठीक है सो इट इज अ स्मॉल हर्ब इट इज अ स्मॉल हर्ब हर्ब किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स ऐसा प्लांट जिसमें वुड स्टेम ना हो उसे हर्ब कहते हैं जिसमें थोड़ी सी वुड स्टेम हो उसको श्रब कहते हैं और जिसमें ज्यादा वुड हो उसको हम ट्री कहते हैं तो ये तीन कैटेगरीज होती हैं। तो ये हर्ब है यानी इसके अंदर वुड नहीं मौजूद सो इट अ स्मॉल हर्ब कंसिस्टिंग ऑफ ट्रू रूट्स लीव्स एंड स्टेम तो इस तरह से इनके पास कि ये तीनों चीजें मौजूद हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस प्लांट्स में डिस्कस किया इसी तरह से इस प्लांट में डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्पोरोफाइट, फिर उसके बाद हम आएंगे ठीक है तो पहले हम स्पोरोफाइट को आज डिस्कस करेंगे इसकी तो आपको पता चूंकि होती है मेन प्लांट बॉडी प्लांट बॉडी यही है दूर से यही नजर आएगी ठीक है तो स्पोरोफाइट के करैक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करने लगे सबसे पहले इसकी स्टेम सबसे पहले इसके स्टेम की बात करेंगे फिर उसके बाद आएंगे इसके लीव्स और फिर उसके बाद मूव करेंगे आगे ठीक है तो स्टेम स्पोरोफाइटिक स्टेम तो डियर स्टूडेंट्स इसकी जो स्टेम है

कॉल्ड इसका एक दूसरा नाम इस ये शॉर्ट थिक अंडरग्राउंड और अनब्रांच स्टेम को कहते हैं राइजोम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट कॉल्ड राइजोम क्लियर सो इट इज कॉल्ड राइजोम अब स्टूडेंट्स राइजोम इस, इसी तरह से सवाल आ सकता है व्हाट इज राइजोम तो ये शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम होती है ये ये चार इसके करेक्टरस्टिक्स हैं ये आप लिख लीजिए राइजोम के करेक्टरस्टिक्स ठीक है अलहदा से लिख लें कि एक तो शॉर्ट होती है दूसरा थिक होती है तीसरा अंडरग्राउंड हमेशा होगी और चौथा हमेशा अनब्रांचड होगी ठीक है ऐसी कोई ब्रांच नहीं होगी क्लियर सो दैट इज कॉल्ड एज राइजोम अब जो राइजोम चूंकि अंडरग्राउंड है तो अब इसी की बात हम करते हैं क्योंकि स्टेम की बात हो रही है इसकी स्टेम को क्या कह रहे हैं हम राइजोम कह रहे हैं क्लियर तो राइजोम द अपर सरफेस इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है द अपर सरफेस ऑफ राइजोम इज कवर्ड बाय ब्राउन स्केल्स इसके ऊपर ब्राउन स्केल्स मौजूद हैं विच आर कॉल्ड विच आर कॉल्ड रामेंटा और रेमेंटा ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत अहम है ठीक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज रामेंटा सो रामेंटा जो एडियंटम की जो राइजोम है उसके ऊपर ब्राउनिश स्केल्स होते हैं और ब्राउनिश स्केल्स को कहते हैं रामेंटा इसके अलावा इट इज ऑल्सो कवर्ड विद जहां पर रामेंटा नहीं है मुसलसल रामेंटा नहीं है जहां पर रामेंटा नहीं होगी वहां पर इट इज ऑल्सो कवर्ड विद परसिस्टेंट लीफ परसिस्टेंट लीफ बेसिस लीफ बेस कहते हैं जहां पर लीफ आकर अटैच होता है उसी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को कहते हैं लीफ लीफ बेस ठीक है तो लीफ बेसिस भी उसके ऊपर परसिस्टेंट मतलब मुसलसल होंगी क्लियर तो ये तो इसकी होगी ऊपर वाले हिस्से की बात राइजोम की अब आते हैं राइजोम के नीचे वाले हिस्से की बात एट द लोअर सरफेस एट द लोअर सरफेस ऑफ राइजोम देयर आर अटैच फाइबरस एडवेंटिशियस रूट्स एडवेंटेशियस रूट्स क्लियर तो इसके नीचे छोटी छोटी रूट्स होती हैं उनको एडवेंटेशियस रूट्स कहा जाता है अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूं एडवेंटेशियस रूट क्या होती हैं ठीक है थीके? Or uh, in Kakam, which function to anchor and absorb water, एंड मिनरल्स फ्रॉम द स्वाइल पहली बात दूसरे नंबर पर अब हम बात करेंगे थोड़ी सी इसके ऊपर वाले हिस्से की ये नीचे वाला हिस्सा इसका मुकम्मल हो गया फ्रॉम द अपर सरफेस देर Arises Fiddle head, Fiddle head, Immature <coughs> Fiddle head, Immature leaves called fronts and also. मैच्योर लीव्स मैच्योर लीव्स पी हैं और न्यूली ग्रोइंग लीव्स भी इसके ऊपर से अराइज करेंगे दिस इज द राइजोम जो इसकी अंडरग्राउंड स्टेम इस तरह से और इसके ऊपर वाले सरफेस पे मौजूद हैं ब्राउन स्केल्स इट इज कवर्ड विद अपर सरफेस जो है वो ब्राउन स्केल्स और इन्हीं ब्राउन स्केल्स को क्या नाम दिया था हमने दे आर कॉल्ड एज एमेंटा ठीक है और फिर इसके अलावा दरमियान में ये ग्रीन कलर की नजर आ रही हैं दीज आर द लीफ बेसिस लीफ बेसिस क्योंकि यहीं से आगे ऊपर लीफ इनके निकलने और यहाँ से एक को मैं ड्रॉ करता हूं सिरस नेटवर ये अभी डिवेलपिंग है इमेच्योर है ठीक है और एक को मैं अभी ड्रॉ करूंगा इसके बाद फिर और इसके नीचे वाले सर्फेस से फ्रॉम द बिलो इसकी नीचे वाली दिस इज एक्चुअली द राइजोम ये राइजोम है इसके अंडरग्राउंड स्टेम और इसके नीचे वाले सरफेस से हैं निकल रही रूट्स उन रूट्स को कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स अच्छा डियर स्टूडेंट्स यहां पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के वाले से एक बात करता चलूं आ, ट्रू रूट्स और एडवेंटिशियस रूट्स में क्या फर्क होता है आपको पता है जब एम्ब्रियो एम्ब्रियो सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो सो लेट सपोज इसके एम्ब्रियो में से दो पार्ट्स निकलते हैं एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ ठीक है ये जो ऊपर वाला होता है इसको कहते हैं प्लूम्यूल और नीचे वाले को कहते हैं रेडिकल रेडिकल से क्या बनता है फिर रूट्स तो जो हिस्सा और आपको पता पुलम्यूल से क्या बनती है फिर शूट जो आगे चलकर स्टेम और उससे फिर ब्रांचेस निकलेंगी लीव्स निकलेंगे तो जो रेडिकल से रूट बनती है वही ट्रू रूट कहलाती है इसके अलावा बाकी किसी भी स्ट्रक्चर से रूट बने तो उसको हम कहते हैं एडवेंटेश रूट्स जैसे कि ये स्टेम से निकल रही है कुछ लीव्स से भी निकलती हैं रूट्स ठीक है तो वो एडवेंटिशियस रूट ही कहलाएंगी ठीक है वो ट्रू रूट्स नहीं कहलाएंगी ट्रू रूट वही कहलाएगी जो रेडिकल से आगे बनी थी क्योंकि रेडिकल से ही रूट बनती है और फिर आगे शूट से आगे स्टेम और स्टेम से अगर बनेगी तो वो एडवेंटिशियस कहलाएगी क्योंकि ये अंडरग्राउंड स्टेम है इस वजह से यहां पर जो रूट्स हैं वो क्या कहलाएंगी एडवेंटिशियस रूट्स सो दीज आर एडवेंटिशियस रोट्स तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका और इसके ऊपर ये ब्राउन स्केल्स के हैं दे आर रामेंटा और रेमेंटा और ये रही लीफ बेस ठीक है देखें ना ये लीफ है इसका ठीक है वो इमेच्योर फ्रॉन्ट और ये इसके साथ अटैच है तो ये लीफ बेस सो दिस इज कॉल्ड एज लीफ बेस और ये इमेच्योर और यंग लीफ मीन्स के फ्रंट क्लियर और यहीं से अब निकले कि मैच्योर लीफ ये जब अनकॉयल होगा तो इससे पहले का हम बात करें तो यहां से इसके ऊपर मचूत है तो ये ग्रो कर चुका है इसके लीव्स डियर स्टूडेंट्स स्पेशल लीव्स हैं आम लीव्स नहीं है बस ठीक है तो इसके लीव्स थोड़े से डिफरेंट है इसमें डिफरेंट हम एक चीज पढ़ेंगे लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट छोटे-छोटे लीव्स हैं देख सकते हैं आप तो अभी आपसे डिस्कस करता हूं आउट देयर सबसे पहले चीज तो हमने डिफरेंशिएट करना है बिटवीन स्टाइप एंड स्टॉक और, और दूसरा रिचेस ठीक है तो ये वाला हिस्सा जो आपको यहां तक नजर आ रहा है इतना हिस्सा देखिए इस हिस्से के साथ इस ये पूरा एक ही लीफ है पहली बात वो ये अपने जहन में रखना ये पूरा एक ही लीफ है लेकिन इसके इस हिस्से के साथ कोई ब्रांच नहीं है कोई आकी छोटा पत्ता अटैच नहीं है इस हिस्से को कहते हैं स्टाइप या इसको कहते हैं स्टॉक इसी को स्टॉक कहते हैं ठीक है और अगला हिस्सा देखेंगे ये वाला इसके साथ अटैच हैं ये ब्रांचेस अटैच हैं पत्ते अटैच हैं ठीक है तो ये वाला हिस्सा इसका कहलाता है रेचिस या रेचिस या रेकिस वट एवर यू प्रोनासिस ठीक है तो रेकिस वो ब्रांच होगी जिसके साथ लीफ अटैच होंगे जिससे कोई ब्रांच निकल रही है और स्टाइप वो हिस्सा होगा लीफ का जिसके साथ कोई अदर uh, स्ट्रक्चर नहीं निकल रहा ठीक है सो ये डिफरेंस ये रेचिस और इसकी स्टाइप ये इतनी स्मूथ बिल्कुल स्मूथ है और शाइनी ब्लैक कलर की होती है बिल्कुल ब्लैक शाइन जैसे बाल होते हैं क्योंकि छोटी सी हर्ब है और दूर से ये दिखने में भी ऐसे लगते हैं तो इसके ब्लैक होने की वजह से ये पूरी ये सारी चीज ब्लैक होती है और स्मूथ सिल्की शाइनी इस वजह से इसको मेडन हेयर फर्न कहते हैं एडियंटम को ठीक है मेडन हेयर फर्न क्लियर बिकॉज ऑफ ब्लैक स्मूथ सिल्की शाइनी रिच सेंस स्टॉक स्टॉक और स्टाइप ठीक है इट इज कॉल्ड मेडन हेयर फॉर्न सो ये पॉइंट मैं यहां पर मैंशन कर रहा हूं बिकॉज ऑफ स्मूथ शाइनी एंड सिल्की ब्लैक कलर्ड जैसे सिल्क की तरह का होता है ठीक है नर्म ब्लैक कलर्ड स्टाइप और स्टॉक जिसको कहते हैं स्टाइप या इसको स्टॉक कहते हैं एंड रिचिस एडियंटम इज कॉल्ड मेडन हेयर फर्न इस वजह से इसको मेडन हेयर फर्न कहते हैं ठीक है शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वाई आइडेंट इज कॉल्ड मेडन हेयर फर्न तो ये बात आपको क्लियर समझाओगे अब जो इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने वाला हूं उसको जरा गौर से समझ रहे ये पूरा हिस्सा यहां से यहां से लेकर ये सारा जितना मैंने ड्रॉ किया ये यह यहां से लेकर ये सारा ये वाला सारा ये कहलाता है एक पत्ता इसका ये ये फ्रॉड है ये एक फ्रॉंड है ठीक है मैं इसको पहले इस बाउंड्री करने लगा ये समझाने के लिए तो यहां से लेकर और ये सारा हिस्सा यहां तक ये पूरा क्या कहलाता है फ्रॉन्ड और यही इसका लीफ है इसे लीफ कहते हैं पूरा एक पत्ता है ठीक है ये पूरे को एक पत्ता कहते हैं जब ये खुलेगा तो तब ये भी इसी तरह से ही बनेगा ठीक है ये जो साफ ए, ये सिर से नेट वर्नेशन में इस वक्त मौजूद है क्वाइल्ड मौजूद है ये है जी जब ओपन होता है तो ये भी इसी तरह से निकलता है तो एक किसमें से मैंने मेच्योर दिखाई ये मेच्योर है तो इस पूरे को एक पत्ता कहेंगे ठीक है वन लीफ अब इस लीफ के अंदर दो तरह के लीफलेट्स हैं इस बात को ज़रा गौर से समझिए इस पूरे पत्ते के अंदर दो तरह के लीफ्स हैं लीफलेट्स हैं दो तरह के लीफलेट्स अब एक लीफलेट ये है अब जिसको मैं इससे मार्क करूंगा ये पूरा एक लीफलेट कहलाएगा लाएगा ये पूरा एक लीफलेट है ये बता जिसको मैंने इससे मार्क किया इसे कहते हैं पिना इस पूरे को क्या कहते हैं पिना दिस इज पिना और इट इज द लीफलेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इसे कहते हैं लीफलेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ये पहली यानी इस पत्ते की पहली छोटी ब्रांच और फिर इस लीफ ये पूरे इस लीफलेट के अंदर देखें और छोटे छोटे पत्ते हैं ठीक है इनको मैं मार्क करने लगाऊ ब्लू से मतलब कि ये ये वाला पहले तो ये पूरा एक पत्ता उसके अंदर फिर ये एक पिना मतलब कि इसके अंदर कितने पिना भी मैंने ड्रॉ किए वन

ऑफ सेकंड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ये इनमें डिस्क्रिमिनेशन आपने याद रखनी है क्लियर दोबारा से इसको समझिए ये पूरा एक पत्ता ये पहले ये शुरू में इस तरह का था इमेच्योर था क्वाइल्ड था सिर सिर से नेट वर्नेशन में था जब ये खुलता चला जाएगा तो इसमें से ये सारा स्ट्रक्चर निकलेगा ये मेच्योर पूरा ये पूरा एक मेच्योर लीफ है ये एक पत्ता है दिस इज वन लीफ क्योंकि लीफ किसके साथ अटैच होते हैं स्टेम के साथ तो लीफ स्टेम स्टेम के साथ जब अटैच होता है तो उसका वो वाला हिस्सा जिसके साथ कोई और स्ट्रक्चर नहीं है कोई और ब्रांच नहीं है उसे स्टाइप या स्टॉक कहेंगे और वो वाला हिस्सा जिसके साथ इस वो लीफलेट्स अटैच होते हैं या कोई ब्रांच निकल रही होती है या कोई रिब निकल रही होती है तो उसे रेचस कहते हैं जैसा कि यहाँ पर आपने देख लिया और ये प्योर स्मूथ सिल्की ब्लैक शाइनिंग जिसकी वजह से मेडन हेयरफन दिस इज़ कंप्लीट वन लीफ अब लीफ जो है वो लीफ लेट से बना हुआ है इसके जो लीफ है वो कंपाउंड लीफ है इसको कहते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ इस पूरे को कहते हैं पिनेट या पाइनेटली क्योंकि इसके अंदर मौजूद है ये पिना और पिनियस कंपाउंड कंपाउंड लीफ एक लीफ है बिल्कुल सादा जब आप देखते हैं अक्सर आप जो पत्ते देखते हैं वो इस तरह से होते हैं एक ही सादा लीफ होता है इस तरह से एक ही पत्ता आपने देखा लाइक like दिस ठीक है इस तरह से ये सिंपल लीफ ये कहलाता है सिंपल लीफ और एक पत्ता इस तरह से है है यही इसी तरह से लेकिन उसमें आके, ये देखें इस तरह से छोटे छोटे ब्रांचेस निकलाएं इस तरह से अब इसमें ये पूरा एक लीफ बनाया मैंने ये पूरा क्या कहलाएगा ये भी एक लीफ है दिस इज कंप्लीट लीफ लेकिन ये कौन सा कंपाउंड ये सा कंपाउंड ये ये और इसमें देखिए अब ये वाला क्या कहला रहा है पिना और इसके अंदर ये छोटे वाले क्या कहला रहे हैं पेनी ठीक है इसमें भी ये पानी और इस पूरे को कहेंगे पिना पिना यानी कि ये ये पूरा लीफ लीफ के अंदर ये पहला लीफलेट और लीफलेट के आगे छोटे लीफलेट सेकंड ऑर्डर लीफलेट उनको कहेंगे पानील्स तो ये अक्सर बात जो है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देती है कि पिना पीनीूल और इस पूरे पत्ते का क्या मतलब है सो so होपफुली आपको ये क्लैरिफाई हो गया होगा कि इस पूरे को हम कह रहे हैं ये एक ही लीफ है पिनेटली कंपाउंड लीफ इसके अंदर मैंने जो अब ड्रॉ किए हैं वो फिलहाल इसके अंदर एक ये पिना है ये दूसरा पिन्ना और ये तीसरा पिन्ना ठीक है ये तीन पिन्ना पिन्ना किसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर लीफलेट को लीफलेट है याद रखिएगा अभी लीफ से छोटा दर्जा क्या लाता है लीफलेट जैसे ड्रॉप से ड्रॉपलेट ठीक है इस तरह से लीफ से लीफलेट तो ये छोटा छोटा लेवल है पत्ते का छोटा लेवल और इससे भी छोटा लेवल वो दूसरे दर्जे का लीफलेट कहलाएगा सेकंड ऑर्डर वो ये है ये वाले इनको कहेंगे पेन्यूल्स सेकंड ऑर्डर पेन्यल्स और इनकी खास बात इनकी एक खास बात अब इसमें से मैं एक पेनियोल निकाल के दिखाऊंगा आपको एक ये एक पेनियोल है ठीक है इसके अंदर होती है डायकोटोमस विनेशन इसके अंदर किस तरह की विनेशन है विनेश विनेशन वेन्स डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है और इनके साथ अटैच होते हैं यहां पर ग्रुप्स की शक्ल में स्पोरेंजिया इस ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया इज कॉल्ड दिस ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया इज कॉल्ड सोराय इसको सोराय कहते हैं सोरस इसका सिंगुलर है सोराय इसका फ्लोरल फॉर्म है यानी कि एडियंटम के अंदर जो इसके पत्ते हैं पत्तों के साथ क्या अटैच है स्पुरंजिया स्पुरंजिया किसे कहते हैं वो सैक जिसके अंदर क्या बनेंगे स्पोर्स तो ये स्पुरंजिया के अंदर ये स्पुरंजिया एक एक करके नहीं है बल्कि ग्रुप्स की शक्ल में है ग्रुप ऑफ स्पुरंजिया इसको कहेंगे सोराई क्लियर जो चूंकि कहाँ पर मौजूद है इस पिनयूल पे पिनयूल के एक तो मार्जिनस पे पहली बात और दूसरा इसकी अंडर सर्फेस पे ये इस तरह से होते हैं ये पत्ता है ना पत्ते के नीचे वाले सर्फेस पे ये अटैच होते हैं क्लियर सो बाकी इसका जो स्ट्रक्चर है हम उसको इसकी जो गमीटो है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सो सोडियर स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द गमीटो ऑफ एटीएंटम तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज